गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो आई एम योर ईवीएस टीचर, सॉरी एसएसटी टीचर। ओके, तो क्लास आज हमारा जो है चैप्टर है 17। हमारे देखिएगा आप अपनी बुक के अंदर, हमारे तीन पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर सिविक्स है। हिस्ट्री का हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिविक्स का, ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, और अब सिविक्स का पढ़ेंगे। जो सिविक्स चैप्टर है वो थर्ड यूनिट में है, चैप्टर 17 है। ओके, तो लेक्चर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले तुम डाइवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अनेकता में एकता। ओके, यानी अनेकता और ये हो गई एकता। ओके, तो जो अनेकता में एकता है यानी विभिन्न, ओके, अनेकता में एकता के साथ जो है हमारा चैप्टर, ओके, एंड अनेकता में एकता यानी कि विविधता, ओके, ओके, अनेकता में एकता, यूनिटी यानी तो एकता हो ही जाती है। यानी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो आज हम विविधता के बारे में पढ़ेंगे। विविधता या भिन्नता, तो बच्चों हम सब एक दूसरे से भिन्न है, क्लियर, हम एक दूसरे से भिन्न है। हमारी ज्योग्राफी, हमारे भारत की जो ज्योग्राफी, हमें वर्ल्ड की, अपनी ग्लोब देखा आपने, वो भी बिल्कुल अलग है। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं खाई है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं लद्दाख जैसी, जैसे हम कहते हैं ना थार का मरुस्थल, वैसे जो लद्दाख का एरिया है वो बिल्कुल ही, मतलब है ना, बिल्कुल बर्फीला डेजर्ट है। ओके, और उसी तरह से हमारे देश में हर चीज में सब अलग अलग रहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक्स है हमारे इसके अंदर, टॉपिक्स है हमारे फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा डाइवर्सिटी। मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। इसी तरह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, और उसका कि नंबर 3 है नीड टू डाइवर्सिटी, नीड टू डाइवर्सिटी, भाई कि हमें डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है इसलिए तो हम सब अलग अलग हुए हैं, और अलग अलग है करके आपने देखा फूलों के गुलदस्ते, यानी बहुत सारे कलर के, कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं, और सबको एक ही में अगर उसको एक ही साथ बांध दी जाए तो कितना खूबसूरत गुलदस्ता होता है। तो बच्चों अलग अलग होने के बाद भी वो गुलदस्ता जब एक साथ बन जाता है तो कितना खूबसूरत गुलदस्ता लगता है ना। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, ओवर द एज ह्यूमन हैव टू चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड, वी लिव इन दे हैव टू चॉप डाउन फॉरेस्ट एंड डैम एंड डैम द रिवर, दे हैव टू ग्रो न्यू प्लांट्स एंड किल वाइल्ड एनिमल्स, दे हैव टू बिल्ड बिग सिटीज एंड द रोड। बच्चों आप जानते हो हमारा जो भारत है, पहले की अपेक्षा अब हमारे भारत में काफी सारे चेंजेस आ गए। काफी सारे चेंजेस में कैसे आ गए, पहले हमारे जो भारत, क्या पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ, तो बहुत बड़े फॉरेस्ट थे यहाँ पे, बहुत सारी नदियाँ बहती थी, कई नदियाँ सूख गई, कई विलुप्त हो गई, और कईयों के तो कोई नदी कहीं से जा रही है तो उसका ही रुख मोड़ करके उसको कहीं और ले गए, या एक ही नदी को कई जगह से उसको उसको डिवाइडेशन कर दिया। ओके, तो जो हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही खूबसूरत था, खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट, हमने हमारी नीड के हिसाब से, जैसे जब से हमें नीड पड़ी, चलो हमें मकानों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है, तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काट दिया। फॉरेस्ट को काट के जब हम फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे तो क्या होगा, जंगल छोटे हो जाएंगे और मकान बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई एनिमल्स भी मर गए, फॉरेस्ट भी कम हो गए, और हैव टू बिल्ड बिग सिटीज एंड रोड, और बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी सिटीज बना करके इन सब चीज को काफी सारे चेंजेस हो गए। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट टू डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम, जो हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में आपको मैंने वैसे बता दिया, विविधता,
या भिन्नता भी बोल सकते हैं, यानी कि अलग अलग। तो नाउ मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी। ओके, आ गया मतलब, वेराइटी आ गई। इसका मतलब क्या बताया हमने? वेराइटी क्या होता है इसका मतलब? वेराइटी, ओके, यानी अलग अलग तरह की वेराइटी। कहते हैं ना, आज खाने में क्या वेराइटी बनी है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ वेराइटी, अरेंज अरेंज ऑफ मैनी पीपल्स और थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी। इसमें क्या है कि हम जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, आप हैं, मैं हूँ, और भी हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये सब एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। सबको इसकी शक्लें अलग है, सबकी सोच अलग है, और सबका धर्म, सबके कास्ट, सब कुछ अलग अलग है। ओके, लुक अराउंड योर सराउंडिंग, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पीपल इज योर नेबरहुड कम फ्रॉम दैट पीपल। ओके, फ्रॉम नेबरहुड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मे बी अ सम फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। यू विल फाइंड दैट द ईच ऑफ देम डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। बच्चों, हम जहाँ रहते हैं, हम अपने आसपास देखेंगे, हमारे आसपास में ऐसे कई लोग हैं जो कि अलग कंट्री से भी आके हमारे जगह पे रह रहे हैं। अलग, अच्छा, कंट्री तो बहुत दूर की बात है, हमारे अलग स्टेट से लोग आकर, कुछ लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते, कुछ लोग गुजरात से बिलोंग करते, कुछ लोग है ना बंगाल से, कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग यूपी से, अलग अलग लोग आकर के हमारे हमारे हर जगह स्टेट में रह रहे हैं, अलग कंट्री से भी आकर के हमारे देश में रह रहे हैं। और सबकी क्या है, सबकी शक्ल अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके धर्म अलग है, सबके ना रिलीजियस अलग, मतलब सब चीज अलग अलग है। आज हम इसी बात पे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस कैसे करेंगे? स्टूडेंट स्पीक द डिफरेंट, पहले तो सब अलग अलग भाषा बोलते करते ना, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर कोई बंगाल से तो बंगाली बोलेगा, कोई महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्रीयन बोलेगा, कुछ गुजरात से हिंदी तो बोलते ही हैं, नॉर्मली इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बट जो उनकी पर्टिकुलर जो मदर जो लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं। ओके, सो लैंग्वेज सम ऑफ देम द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एज अ फॉलो डिफरेंट रिलीजियस। सो हमारे चैप्टर के अंदर हम अलग तरह की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के लोगों का खान पीन। अरे भाई, अगर कोई बिहार से या बंगाल से या आसाम से बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो रोटी एक टाइम खाएगा, लेकिन उसको चावल दो टाइम अच्छे, उसको रोटी दो टाइम अच्छी लगी, उसको एक टाइम राइस चाहिए, क्योंकि वो जिस देश से बिलोंग करते हैं, या मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां तो ज्यादातर राइस ही ग्रो होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो राइस ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको हम कह रहे हैं कि चलो बच्चे, चलो आज आप है ना, आज 4 दिन कंटिन्यू राइस खाओ, तो आप बोर हो जाओगे। तो लोगों के खाने का तरीका अलग है, लोगों के रहन सहन का तरीका अलग है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा भाषा सब कुछ अलग अलग है। ओके, तो डाइवर्सिटी इंडिया, अगर हम हमारी इंडिया की बात करें तो डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया तो वैसे ही, इंडिया में देखो हमारे नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम में जन गण मन, वो हमारे देश की वैरायटी को भी दर्शा, मतलब हमारे देश की भिन्नता को भी दर्शाता है। ओके, इसी तरह से हमारे नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलेम, नेशनल नेशनल फ्लैग, सब चीज को दर्शाता है, हमारी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को दिखाता है। ओके, तो हम डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात कर रहे थे बच्चों। अगर हम फिजिकली बात करें तो इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री फ्रॉम द स्नोई माउंटेन टू अ सैलिन सी एंड फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ द रेनी वैली आवर कंट्री एंड विटनेस द ड्रॉट एंड फ्लॉड फ्लॉड एट द सेम टाइम फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। इट्स द लेंथ इज द अराउंड द 3,200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ब्रेथ ब्रेथ यानी चौड़ाई 2,000 किलोमीटर। बच्चों, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के लिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये हमारा इंडिया है ना, है ना। अब जो भी है, इंडिया है, इसका नॉर्थ और बिल्कुल नीचे बॉटम में साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, ये हमारी इंडिया कंट्री, ये मतलब हमारा भारत है। इस भारत के अंदर जहां पे यहाँ पे स्नोई माउंटेन है, स्नो माउंटेन, जहां यहाँ पे स्नो माउंटेन है एंड द सैलिन सी, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, सैलिन सी यानी कैसा पानी है भाई, बताइए, ओशियन में कैसा पानी होता है, हाँ, यानी खारा,
यानी नमकीन पानी खा रहा है, यानी नमकीन पानी। तो जहाँ पे स्नोई माउंटेन है, जहाँ पे स्नो का माउंटेन है, वहीं पर ही हमारे हमारे मतलब भारत के नीचे कौन सा है, सैलिन वाटर एंड डेजर्ट ऑफ द रैनी वैली। यहाँ पे अलग अलग तरह के मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा थार का रेगिस्तान भी है और बरसाती घाटियाँ भी है। हमारी कंट्री जो है इस चीज़ का विटनेस है कि हमारे यहाँ पे जो बाढ़ आती है या कोई सूखा पड़ता है तो वो सब देखा गया है कितना ज़्यादा कोहराम मचता है, लेकिन फिर भी जो हमारी देश है, हमारा कंट्री है, वो हम सब एक साथ उस टाइम का गवाह है कि हाँ यहाँ पे हम सब ने ये सब चीज़ें देखी है। यानी बाढ़ भी देखी है, वही केदारनाथ का बाढ़ कितना भयंकर था, देखा था आपने न्यूज़पेपर टीवी वगैरह में। तो फिर भी जो हमारी कंट्री है, द नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो ये कितने हैं, 3200 किलोमीटर, ओके। और अगर वेस्ट टू साउथ अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 3000 किलोमीटर, ओके, किलोमीटर है, ओके। हमारे नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट 300 किलोमीटर तक है। एंड द लैंड सच इज द नॉर्थ माउंटेन रेंज एंड द वेस्ट प्लेन्स एंड दक्कन प्लेट्यू डेजर्ट, द कोस्ट लाइन आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकली फीचर ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत की जो विशेषता है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है, कहीं पर्वत की चोटियां हैं, कहीं पे ओशन है। तो ये सब हमारे भारत की भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है, ओके। भौतिक विशेषताएं यानी जो उसकी फिजिकली जो फीचर्स है हमारे इंडिया की, उसको दिखाता है। जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे कहीं दक्कन का पठार है, तो कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो कहीं खाइयां हैं, तो कहीं अगर खड़े हो जाओ तो दूर तक मकान नहीं दिखेंगे, ऐसा तो डेजर्ट एरिया है। और कहीं कहीं पहाड़ के ऐसे कहीं मतलब पहाड़ की ऐसी श्रृंखला है कि आप अगर पहाड़ पे चढ़ जाइए तो आपको नीचे की खाइयां नहीं दिखेगी। तो जो ये भौतिक विशेषताएं हमारे देश की भौतिक विशेषताएं कहलाती है, यानी भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है साथ में, यानी फिजिकली फीचर्स को। नेक्स्ट कल्चर की बात करें तो कल्चर तो हमारे देश का इतना अच्छा है कि बाहर की कंट्री भी आ करके क्या हो रहा है, बाहर की कंट्री आ रही है और हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो उल्टा कर रहे हैं। हमने हमारे कल्चर को तो नहीं देख रहे, लेकिन हम विदेश के कल्चर को आजकल अपनाने लग गए, ओके। फर्स्ट टू आप क्या पहनते हो, आजकल हमारे खाने का तो तरीका है वो चेंज हो गया, आजकल हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं, और उल्टा हो गया। जो फॉरेनर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो इंडियन कल्चर के, वो इंडियन के फूड को, इंडियन के कपड़ों को जो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम चलिए कल्चर की बात करते हैं, ओके। पीपल्स बिलोंग टू द डिफरेंट प्लेस विद द डिफरेंट फ्लोरा एंड फ्यूना हैव टू अ डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ। एवरी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री फॉलो द डिफरेंट रिचुअल्स, राइट्स एंड रिचुअल्स एंड वे ऑफ द सेलिब्रेशन। बच्चों हमारे देश में अलग अलग तरह के वनस्पति, जैसे हमने फीचर्स की बात करी, हमारे फिजिकली फीचर्स की बात करी देश के, उसी तरह से हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पति उगती है, अलग अलग तरह के यहाँ पे जीव भी है, और यहाँ के अलग अलग ट्रेडिशन यानी यहाँ की अलग जो संस्कृति है, धर्म है, और सभी वो अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, लोग इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके साथ ही हर कम्युनिटी जो है, हमारी जो कंट्री की जो हर कम्युनिटी है, सभी अपने राइट्स और अपने रिचुअल्स को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उनका मान रखते हैं, ओके। ऐसा तो है नहीं, अगर हम हिंदू है तो हम अपने हिंदू धर्म के कल्चर को मानते हैं और हिंदू धर्म के जो भी है ना बात है, वचन है, उनको हम फॉलो करते हैं। या कोई है ना इस्लामिक धर्म है, या कोई सिख है, या कोई कुछ भी है, तो वो अपने धर्म की राइट्स और रिचुअल्स को मानता है और उसको वो फॉलो करता है। इसी तरह से द कल्चर एंड अ कल्चर एंड द पेरेंट्स टू द एन एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द डाइवर्स लाइफ स्टाइल, रिलीजियस, लैंग्वेज एंड और लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, कस्टम, ट्रेडिशनल्स एंड और कस्टम्स। इंडिया कल्चर एंड अ सोशल एटीट्यूड हैज द नो मैच इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, सबसे अच्छी बात है। हमारे देश का जो भी सिस्टम है, हमारे देश के रहने का तरीका, खाने का तरीका, हमारे यहाँ के राइट, हमारे यहाँ के रिचुअल्स, हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स और हमारे यहाँ के कस्टम्स, हमारे यहाँ की जो भाषा, हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, वो कई और देश में देखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिलती है। यानी कि
विश्व विख्यात है। हमारे भारत का जो कल्चर है वो विश्व विख्यात है हर चीज में, चाहे वो कला को लेकर हो, चाहे वो नृत्य को लेकर के हो, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे लोग यहाँ के जो अलग अलग लोगों के अलग अलग राइट्स और रिचुअल्स है उन सब को लेकर के हो, सब कोई ये भिन्नता है, अलग अलग है ना, भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में ये एकता को दर्शाता है कि ये हमारा भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में हम सब रहते हैं और ये हम सब इस कल्चर को मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज दीपावली है तो आज दीपावली की छुट्टी मिल गई है और कल ईद है तो ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। हमारे तो देश में जिस तरह से दीपावली की छुट्टी मिलती है उसी तरह से ईद की छुट्टी मिलती है और उसी तरह से ही हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो हो गई ना यहीं पर ही डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है हम अनेक है लेकिन अनेक होकर के भी हम एक है, यानी हम एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल फॉर एक गुलदस्ता, कि हम एक गुलदस्ते की तरह बंधे हुए हैं जिसमें हर कलर के फ्लावर है, हर कलर के फ्लावर है, लेकिन हम एक गुलदस्ते के रूप में एक दूसरे से एक डोरी से बंधे हुए हैं। जस्ट लाइक माला जो होती है वो भी एक धागे में पिरोई हुई है, उसमें अलग अलग तरह के मोती होते हैं और उसके बाद भी हम एक माले की तरह एक अपने भारत की अहम भूमिका में अपना सहयोग देते कि हम सब एक हैं। ओके, एंड द सोशल एटीट्यूड हैज द नो मैच इन द वर्ल्ड। हमारे भारत में इसकी कोई भी मैच नहीं है, हमारे भारत ही सबसे बेस्ट है वर्ल्ड। एंड द इट्स ओपन द एट द हार्डली द वेलकम एवरीवन हु कम्स द अंडर इट द शेल्टर एंड मेनी इन्वेडर्स लाइक द मंगोल्स द मुगल्स द ब्रिटिश एक्सेट्रा कम हेयर बट द लेटर ऑन द मोस्ट ऑफ देम द एक्सपेक्टेड द कंट्री एज देयर मदरलैंड। भाई आप सबको मालूम है कि जो हमारे भारत है, हमारे भारत पे अंग्रेजों ने कितने साल राज किया, 200 ईयर्स, 200 ईयर्स किया और 200 ईयर्स उन्होंने राज किया। ऐसे कई मंगोल्स आए, मंगोल्स यानी मुगल्स, ऐसे मुगल शासक भी आए और वो आकर के हमारे भारत पे उन्होंने शासक किया, लेकिन हमारा भारत जो ऐसा था सबको एक्सेप्ट करके और सबको एक्सेप्ट करके और सबका वेलकम किया उन्होंने, मतलब दिल से सबका वेलकम किया। और साथ ही जो हमारा भारत है बट द मोस्ट द एक्सेप्टेड द कंट्री देयर मदरलैंड, और जो भी आए यहाँ पे उसने उसको मदरलैंड के रूप में ही जाना। ओके, तो हम कास्ट सिस्टम की भी बात करेंगे इसी तरह, कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। कास्ट का तो मालूम है, ओके, हमारे मतलब देश में कास्ट का बहुत ज़्यादा मतलब अगर कहूँ तो कास्ट का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। सो माना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको गलत कहा गया है कि ना कोई भी कास्ट का भेद नहीं होगा, जाति का भेद नहीं होगा, लेकिन आज भी ये रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द कास्ट सिस्टम। इन एशियन टाइम द सोसाइटी वॉज द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, ओके, एंड द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, बट विद द पासेज ऑफ द टाइम दीज नेम्स टर्न इन टू द कास्ट। नाउ अ नंबर ऑफ द सोसाइटी इज नॉन बट बाय हिज वर्क बट हिज द कास्ट। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इज द स्टिल प्रॉब्लम इन इंडिया सोसाइटी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड टूडे इंडिया हैज मोर देन 600 क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट एंड अ सब कास्ट। बच्चों हमारे एशियन टाइम में लोगों के कोई कास्ट डिवाइड नहीं थे, लोगों के वर्क डिवाइड थे। वर्क डिवाइड का मतलब है कि कोई मटका बनाता था तो कोई शूज बनाते थे, जूते बनाते थे, तो कोई मकान बनाते थे यानी कि मिस्त्री वगैरह होते थे, जैसे कोई किसान हुआ करता था, जैसे कोई खेती करता था किसान, ओके। तो वो पहले सबके काम थे, कास्ट किसी का नहीं था, लोग अपने काम से जाने जाते थे, लेकिन यही काम बाद में कास्ट के रूप में बदल गया। कोई क्षत्रिय भी थे इसमें, तो ओके क्षत्रिय यानी जो युद्ध लड़ते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, ओके। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों का जो वो वर्क करने का जो पेशा था वो बाद में कास्ट के रूप में तब्दील हो गया, ओके। जो पूजा करने वाला हो गया उसको ब्राह्मण में डाल दिया गया और जो योद्धा यानी युद्ध करने वाले हो गए उनको क्षत्रिय में डाल दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग कास्ट डिवाइडेशन हो गया जिसमें से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। इस तरह से बाद में ये कास्ट में डिवाइड हो गए, जो कि ये हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं तो क्या बोलूं मतलब हाँ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह हमें देखने को मिल जाती है जात का भेदभाव, ओके। बाद में जब ये जाति में भी डिवाइड हो गए तो चलो ठीक है, जाति में भी डिवाइड हो गए। जाति में डिवाइड होने के बाद इनको कैसे कर दिया, लोअर कास्ट और
अपर कास्ट में डिवाइड कर दिया गया इनको, ओके, यानी कि जाति और उपजातियों में इनको बदल दिया गया। अगर जाति और उपजाति की बात करें तो अबाउट कितने, मतलब अबाउट 600, कितने की बात करिए, 600 क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, ओके, कितने में हो गए, अबाउट 600 क्लासिफिकेशन कास्ट, ओके, मतलब है ना, मतलब 600 के आसपास कास्ट में बाद में ये जाति और उपजातियों के जातियों में ये काउंट होने लगे, ओके। तो इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है मैंने आपको क्या कहा, कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल जाते हैं जाति और उपजाति के नाम पे, तो कई बार काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ओके। सो पॉलिटिकल की अब हम नेक्स्ट पॉलिटिकल की बात करते हैं, ओके, राजनीति। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर अ नियर बाय 200 ईयर्स, मैंने आपको क्या कहा, जो भारत है वो भारत ने सबका वेलकम किया तहे दिल से, जो भी आए, चाहे मंगोल्स आए और चाहे वो ब्रिटिशर्स आए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया। कि मैंने आपको क्या कहा, जो ब्रिटिशर थे, कौन थे भाई, यस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे भारत पे कितने वर्ष राज किया, 200 ईयर्स, मैंने बताया था अभी, अब 200 ईयर्स उन्होंने रूल किया हमारे भारत पे। सो द बट द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट इंडिया कम अप एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स फाउट टुगेदर फॉर अ फ्रीडम। भाई भाई हमारा भारत तो 200 सालों तक राज किया, इसके बाद सब अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद सबने देखा कि भाई देश तो हमारा है, लेकिन ये क्या हो गया, बाहर की कंट्री से आकर के लोग हम पे राज करने लग गए, यानी कि हम मजदूर कर रहे हैं, हमारी मजदूरी कर रहे हैं तभी हमें उसका प्रॉफिट नहीं, हम हमारे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं तभी हमें उसका प्रॉफिट नहीं, तो ये सब क्या हो गया। जब ये बात समझ में आई लोगों को तब तक तो काफी, जब ये बात समझ में आई तो बच्चों काफी देर हो चुकी थी फिर, लेकिन उसी में से ही कुछ लोग आए क्रांतिकारी, जो कि आए और उन्होंने फाइट किया ब्रिटिशर से, ब्रिटिश रूल से फाइट किया, और 200 इयर्स लग गए हमारे देश को आजाद होने में। और हाँ बच्चों, अगर अगर आजादी की बात करें तो आप अभी चाइना की स्थिति देख रहे होंगे, कितनी बुरी हो रही है, हमारे भारत और चाइना में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप देख रहे हो, तो क्या करा, अवॉइड द चाइनीज आइटम, सही है। फर्स्ट मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी बच्चों कि चाइनीज की जो भी वस्तु है प्लीज ना परचेस करें, अवॉइड दिस आइटम। अगर क्या होगा कि अगर हमने कुछ भी आइटम परचेस किया चाइना से, एग्जांपल फॉर चाइना से कुछ हमने कोई भी चीज प्रोडक्ट परचेस किया, हमने आज हमने 10,000 किया, कुछ दिन बाद 20,000 खरीदेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अरे हमने लाखों के रूप में लाखों हमने सामान खरीदा, तो क्या करेगा चाइनीज, सोचेगा अरे यहाँ पर तो ये चीज बहुत अच्छी चल रही है, इट मीन्स कि हम क्यों ना वहाँ पे कंपनी डाल दे, तो चाइना आएगा हमारे इंडिया में एक कंपनी अपनी डाल देगा, और उसमें कौन होंगे, जो ऊपर वाले पोस्ट पे कौन बैठेंगे, वो खुद चाइना वाले बैठेंगे, और हमें क्या बना लेंगे, अपने एम्प्लॉय बना लेंगे, तो वो गुलामी वापस हो जाएगी। तो पहले हम ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिन के बाद हम चाइना के गुलाम हो जाएंगे, तो प्लीज अवॉइड द चाइनीज आइटम, ओके। तो इसी तरह से जो था, जो अंग्रेज थे हमारे देश पे 200 ईयर्स उन्होंने रूल किया, ओके, एंड मैन एंड वीमेन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स कस्टम ट्रेडिशंस एंड बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज टू आर ब्रिटिशर्स, अच्छा, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कौन आदमी है, कौन पुरुष है, कौन कौन सी जाति से बिलोंग करता है, किसका क्या धर्म है, किसका क्या रिलीजियस है, क्या है, उसके बाद भी सबने मिल करके अपने देश को आजाद करवाने में सहयोग किया। After 66 years and move of the freedom India as the nations has the remained the united. तो ये हमारे 66 year की fighting को देख करके हमें ये चीज याद दिलाता है कि देखिए हमने कैसे fight किया, तो हमें ये याद रखना है, और इसी तरह से चाइना की चीजों को भी हमें avoid करना है, okay? We still have a fantastic force in our society, but the countries and a secular one constitution and one administrative system. The laws of land are the same and same of the everyone throughout its length and breadth. Okay. तो क्या है कि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष जो है, उसके साथ जो हमारी लोकतांत्रिक जो है, मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक जो टेक्सचर है उसकी बनावट पे आज भी आधारित है कि हम सब भिन्न होकर के भी एक है, ओके. तो बच्चों इसी तरह से रिलीजियस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए
आज हम क्या ही करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी। ओके, सिर्फ आपको इसका आंसर लिखना है। आपके जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके सेकंड पैरा में ही है कि डाइवर्सिटी, भाई डाइवर्सिटी किसको कहा जाता है, आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।